हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज अगर ग्लोबल मार्केट इंडेक्स की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से वह हरे रंग में नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। उसी के साथ आप देख लेते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स जो कि चल रहा है 96.47 पे, वहीं यूएस बॉन्ड यील्ड 1.4% पे है। क्रूड ऑयल की बात की तो क्रूड ऑयल कल से कम हो गया है, जो कि अब 68 पे है, और कल का इंडियन विक्स था 18.96। डाटा तो वैसे देखा जाए तो अच्छा है, हमारी भी ओपनिंग शायद हम होपफुल है कि ग्रीन से ही हो। कुछ नज़र मारते हैं स्टॉक पे। मैपमा इंडिया का आज आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है, जिसका प्राइस बैंड 1,033 रुपये तक रह सकता है। वही रेलटेल से निकल के आ रहा है, द कंपनी हैज़ रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द डिफेंस एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सपांशन एंड एनहांसमेंट ऑलमोस्ट 68.31 करोड़। रेलटेल जो है इसे एक प्रोजेक्ट मिला है डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से, जो कि लगभग 68.31 करोड़ का है। वही बात कर लेते हैं अदानी एंटरप्राइजेज, द कंपनी रिसीव लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम यूपी एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर गंगा एक्सप्रेस वे। अदानी एंटरप्राइजेस को प्रोजेक्ट मिला है यूपी से गंगा एक्सप्रेस वे के लिए। वही रोलेक्स रिंग, द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गुजरात गवर्नमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड अपेरियल पार्क। रोलेक्स रिंग जो है इसको गुजरात गवर्नमेंट से टेक्सटाइल के लिए ऑफर आई है, या कह सकते हैं हम प्रोजेक्ट मिला है। वही विप्रो की अगर बात की जाए, द कंपनी विल एक्वायर टेक्सा हेडक्वार्टर एट गिली। विप्रो ने टेक्सा का हेडक्वार्टर को एक्वायर कर लिया है। आज के खबर के लिए थैंक यू।